जनसमय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पूजा गंसारा ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार, शिक्षक संघ की पेंशन मांग को मिला समर्थन। महाराजा के स्वागत में बिछाए पलक पावड़े। युवाओं के सर्वदान शिविर का समापन। लोका समाज द्वारा की मरी माता मूर्ति स्थापना। माँ सम्मेलन को लेकर किया बैगों का विमोचन। आदिवासी समिति ने 23 यूनिट का किया रक्तदान। बीमार गाय का उपचार कर भेजा गौशाला। राष्ट्रीय महिला कन्वेंशन का हुआ समापन। अब समाचार विस्तार से। शिक्षक संघ की पेंशन मांग को मिला समर्थन। भारती चौहान की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए केंद्र सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल ने शिक्षक संघ की नई पेंशन नीति को हटाने, पुराने पेंशन लागू करने की मांग को पुरजोर समर्थन किया। वरिष्ठ शिक्षक नेता राव गोपाल सिंह पोसालिया के अनुसार केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने संगठन के प्रतिनिधि मंडल को इस मांग के लिए दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। वही मंत्री ने शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाने का साफ शब्दों में समर्थन किया। सिरे जिले से बीकानेर सम्मेलन में संगठन पदाधिकारी व कार्यकर्ता ने शिरकत की। महाराजा के स्वागत में बिछाए पलक पावड़े। जावल से मोहन देश प्रेमी की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्य मंत्री व बस्तर के महाराजा कमल चंद्र भंजदेह ने कहा कि मुगल ने सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए हर समय भारत पर हमला किया, जिसका इतिहास गवाह है। वे रविवार को वराड़ा के झुंझार साधु सिंह देवड़ा के मंदिर परिसर में ग्रामवासियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हमारी कुलदेवी काली माँ के वरदान से हमें रियासत मिली है। हमारी रियासत को मुगल शासक अलाउद्दीन खिलजी ने पहले राजा की माँ को मार दिया, उनके बाद बड़े राजा को भी मार दिया। इस अवसर पर देवी सिंह देवड़ा मंडार, राजेंद्र सिंह गलथनी, परवीन खंडेलवाल, महेश खंडेलवाल पुणे, जिगर सिंह चौहान सिरोही, गणेश खंडेलवाल बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। युवाओं के सर्वदान शिविर का समापन। भारती चौहान की रिपोर्ट के अनुसार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र सिरोही द्वारा जल स्रोतों की स्वच्छता और संरक्षण हेतु सर्वदान शिविर का कालिंद्री में समापन शिविर हुआ, जिसमें युवा मंडल अध्यक्ष ने अपनी युवा टीम व ग्रामीणों से मिलकर तालाब में सर्वदान करके जल संरक्षण की उपयोगिता बताई गई। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सहायक विसाराम शेर सिंह, सीएलजी जिला सदस्य नैनू खान, महेंद्र सिंह गहलोत, समर्थाराम गाजी, रामलाल लोहार सहित कई सर्मवीरों ने सर्मदान करके पुण्यात किया। खबरों का सिलसिला यूं जारी का वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। निकाली गई, जिसमें लोधा समाज के महिलाएं एवं पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें अहमदाबाद, डीसा, पाटन, राजकोट से भी काफी लोगों ने हिस्सा लिया। यात्रा अंबाजी मंदिर से रवाना होकर मुख्य चौराहे पर पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा साफा पहनाकर व माला पहनाकर समाज बंधुओं का स्वागत सत्कार किया गया, जिसमें जिला प्रमुख पायल परसाराम पूरिया, नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र सिंदर, राजेंद्र गोयल, बाबू भाई पटेल, पार्षद रितेश सिंह सहित भारी संख्या में शामिल हुए। महासम्मेलन को लेकर किया बैगों का विमोचन।
भारती चौहान की रिपोर्ट के अनुसार सिरे के सिरगंज उपखंड में मारवाड़ मीणा समाज की ओर से 22 दिसंबर को होने वाले संभागीय स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह एवं महासम्मेलन को लेकर पॉलिथिन फ्री अभियान चलाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रक्तदान जीवन दान, नेत्रदान महादान, पर्यावरण बचाने व समाज में शिक्षा के प्रति जागृति पैदा करने संबंधित स्लोगन लिखे कपड़े के बैग का विमोचन डाक बंगला में जवाई सिंचाई खंड के सहायक अभियंता राज मीणा के मुख्य अतिथि में किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में मीणा समाज के युवा मौजूद रहे। सहायक अभियंता ने संगठन की ओर से समाज हित में किए जा रहे कार्य की सराहना करते हुए समाज उत्थान के लिए उचित कदम बताया। आदिवासी समिति ने 23 यूनिट का किया रक्तदान। लैक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार रक्त की जरूरत को देखते हुए आदिवासी समाज की सेवा समिति अगरोड द्वारा मानपुर माली समाज धर्मशाला में ग्लोबल रोटरी ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। समाज के ताराराम राणा ने बताया कि आदिवासियों में आए दिन रक्त की जरूरत होती है, जिसको देखते हुए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 23 युवाओं ने रक्तदान किया। शिविर में रोटरी ब्लड बैंक के प्रभारी धर्मेंद्र सिंह, शिवसेना नगर प्रमुख लाला राम खारवाल, संग्राम राम, राजा राम, राजेंद्र बाकलीवास सहित कई लोग मौजूद रहे। बीमार गाय का उपचार कर भेजा गौशाला। लैक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार अगरोड शिवसेना व सर्वधर्म सेवा समिति ने उपचार करवा कर बीमार गाय को गौशाला पहुँचाया। सदर बाजार में गत दिनों 2 दिन से एक गाय बीमार चल रही थी। बाजार के लोगों ने सर्वधर्म सेवा समिति के अध्यक्ष महेंद्र मरडिया को जानकारी दी, जिस पर उन्होंने तुरंत प्रभाव से एम्बुलेंस भिजवाई व शिवसेना नगर प्रमुख लालाराम खारवाल के सहयोग से बीमार गाय का उपचार करवा कर गाय को एम्बुलेंस से गौशाला के लिए भेजाया। इस दौरान गौ सेवा में महेंद्र मरडिया, किशोर कुमार गोयल, राजेंद्र कुमार सोलंकी, लालाराम खारवाल, नरेश लोधी, ऋषभ गोयल सहित कई धर्म प्रेमियों ने सहयोग किया। राष्ट्रीय महिला कन्वेंशन का हुआ समापन। लैक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार अगरोड में महिला सशक्तिकरण से सामाजिक बदलाव विषय पर आयोजित राष्ट्रीय महिला कन्वेंशन का समापन हो गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी ने कहा कि देश व दुनिया में महिलाओं के प्रति हो रही घटनाएं चिंतनीय है। सख्त कानून तो बने ही, साथ ही लोगों के मानसिक स्तर बदलने के लिए सकारात्मक सोच अभियान चलाए जाने जरूरी है, उद्गार राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी ने व्यक्त किया। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज सिवनी शहर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय श्री कृष्ण।